वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं हूँ अरुण कुमार आचार्य और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ईएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम जो हम लोगों ने दे के आए हैं आप लोग 7 जनवरी को, उसका प्रीलिम एग्जाम जो आप देख रहे आए हैं उसमें केमिकल सेट वन का हम लोग रिटर्न सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं ये फिर से मेंशन कर दूं कि जो है जो एग्जाम दे दिया हो या फिर ना दिया हो, हर किसी को ये देखना चाहिए क्योंकि ईएससी के ही क्वेश्चन बनाए हुए क्वेश्चन ही और सभी जितने भी पीएससी एग्जाम है उसमें रिपीट होते रहते हैं, चाहे वो पीएससी हो या इसरो हो, बार्क हो या फिर जो भी आप देने जाते हो सेल वगैरह का एग्जाम, सभी जगह पे सिलेबस भी यही रहता है और यही क्वेश्चन रिपीट होता है। तो आपके लिए जो ये जो बना रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कन्वेंशनल क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा वहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब एसएससी जूनियर इंजीनियरिंग का आपका एग्जाम नज़दीक आ गया है तो उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हो सकता है डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन उठा के वो डाल दें। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप देखें, यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखें, यहाँ पे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से मिलते जुलते आ सकते हैं आपको। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैं एक कोर्स बना चुका हूँ, पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग वहाँ पे कवर्ड है। नाम जरूर ईएससी लिखा हुआ है क्योंकि ईएससी का एग्जाम नज़दीक था इसलिए मैंने लिख दिया ताकि बच्चे देखें इसको। पर ये आपका गेट से रिलेटेड है, गेट का भी एग्जाम आने वाला है तो आप लोग जरूर इसको क्रैश कोर्स को देखें। आपके बामर लेसन में मैंने पूरा का पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस कर दिया है, सबको याद करने का तरीका ट्रिक्स वगैरह सब बताया है इसमें। तो ये जरूर देखें, आप देख ही रहे हो कितना अच्छा रेटिंग रिव्यू मिला हुआ है इसमें, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है और कितना ज़्यादा लोगों ने इसको देखा भी है। सिर्फ ईएससी के एग्जाम के जस्ट पहले इसको 1200 लोगों ने देखा जबकि मेरा डेली का व्यू हमें 600 से लेकर आपको 600-400 ऐसा व्यू रहता है, पर उस एक दिन में मेरा व्यू सीधे 1200 पहुंच गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर यही कि सब लोगों को एग्जाम के एक दिन पहले ख्याल आता है तो इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया है। अब समय गवाए बगैर हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन पिछले जो स्लाइड लेसन बनाया था उसमें मैं ये डिस्कस नहीं कर पाया था डिटेल में क्योंकि समय नहीं बच पाया था। तो हम लोग इसको देख लेते हैं, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है भाई। ये आपका एक क्वेश्चन है जो टरबाइन से रिलेटेड है, पावर प्लांट से रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, द डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ अ रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन। रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन की इस बारे में बात कर रखा है उन्होंने और क्या बात किया है, ओनली अ पार्ट ऑफ अ लोड हेड ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वेलोसिटी हेड बिफोर इट रीचेज द रनर एंड। ये एक तरह से सही बातें कर रहा है, ये कम्प्लीटली इसका जितना हेड होता है वो कन्वर्ट नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता है, होता है ऐसे भी जानते ही हो, तो टोटल हेड नहीं होता है, तो ओनली अ पार्ट ऑफ टोटल हेड ही आपका जाके वेलोसिटी में पूरा कन्वर्ट हो पाता है। तो इसमें कोई गलत चीज़ें नहीं बोल रहा है वो। उसके बाद द फ्लो थ्रू वाटर कम्प्लीटली फिल ऑल द पासेस इन द रनर, ये भी सही है, इसमें गलत क्यों काटोगे इन सब चीज़ों को, अगर नहीं भी आप जानते हो तो इसको सही ही मानो, गलत क्यों काटोगे। तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल है आपको लोगों का आंसर गेस करना क्योंकि अगर आप लोगों ने इसको लगा दिया तो आप गलत हो जाओगे, आपको इसको लगाना होगा, तो सारे स्टेटमेंट सही करने होंगे अगर आप। तो ये थोड़ा बहुत होता है कि इतना कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस रहता है कि आप उसमें इतनी चीज़ें पढ़ाए नहीं एक्चुअली जा सकता है, हर चीज़ आपको पढ़ाया नहीं जा सकता है। अब थोड़ा बहुत इतनी चीज़ें रहती है कि भाई एक आध क्वेश्चन भाई छोड़ो या फिर रिक्स पे लगाओ, इसमें भाई थोड़ा सा भी अगर आपने इसे लगा दिया तो गलत हो जाएगा, आप इसे लगाएंगे तो सही होगा। तो आपको हर चीज़ नहीं पढ़ाया जा सकता है या फिर आप बुक से पढ़ेंगे तभी आपको हर चीज़ें, मतलब कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो चूंकि वो पूरा बुक तो पढ़ा नहीं रहा, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पढ़ा देता है, पर आप ये सब चीज़ें आप बुक से पढ़ोगे क्योंकि ये सब चीज़ें क्या होता है, ये बुक से हूबहू उतार के इसने छाप के दे दिया है। तो आपको बुक में जरूर आप पढ़ें, जो स्टैंडर्ड बुक है, स्टैंडर्ड बुक आप जानते ही हैं कि कौन कौन स्टैंडर्ड बुक है, बस कोई आपको नहीं जानते हैं तो गूगल पर सर्च कर लीजिए, स्टैंडर्ड बुक का लिस्ट मिल जाएगा। तो मैं जो भी कोर्सेज पढ़ा रहा हूँ उसमें स्टैंडर्ड बुक का नाम जरूर बताता हूँ मैं कि आप जरूर इसको पढ़ें, अगर समय आपके पास रहे तो आपके पास तो पूरा वीडियो ही देख लें, इनका समय नहीं मिलता है। तो मैं तो यहाँ वीडियो में तो हर चीज़ नहीं, पूरे बुक तो नहीं पढ़ाया जा सकता है ना, तो ये सब चीज़ें आपको ये सही है बट आपको क्या है कि इतना चीज़ें मैं बताया नहीं जा सकता। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ये मैं पूरा बता चुका हूँ कि कैप्लन टरबाइन इज इसेंशियली अ प्रोपेलर वर्किंग इन रिवर्स एंड इट्स ब्लेड आर सो माउंटेड एट ऑल द ब्लेड एंगल कैन बी एडजस्ट। तो उसमें जो मैंने बार बार कैप्लन टरबाइन बताया था कि वेरिंग लोड के लिए यूज होता है, मैंने क्रैश कोर्स में बता चुका हूँ इसके बारे में, ये वायरिंग लोड के रूप में यूज होता है। और पावर प्लांट का जब मैं कोर्स बनाऊंगा तो और डिटेल में बताऊंगा आपको कैप्लन टरबाइन के बारे में कि जब वायरिंग लोड के साथ जब यूज करना हो तो कैप्लन टरबाइन यूज होता है क्योंकि इसमें ब्लेड जो होता है एडजस्टेबल ब्लेड होता है, वो अपने आप एडजस्ट हो जाता है और उस प्रकार से वो
अपना लोड जिस प्रकार से वेरी करता है उस प्रकार से आपका ब्लेड भी एडजस्ट हो जाता है। तो ये उसी चीज लिखा है, तो ब्लेड एडजस्ट होगा तो ऑब्वियसली एंगल चेंज होता रहेगा। साइमल्टेनियसली बाय मींस ऑफ द सुटेबल गियरिंग इवन एज द मशीन इज इन ऑपरेशन। तो ये ऐसी बातें हैं, तो ये स्टेटमेंट आपके सही है। थर्ड में चलते हैं, द ड्राफ्ट ट्यूब इज अ पाइप ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन एरिया विच मस्ट। अब ड्राफ्ट ट्यूब तो बना हुआ आपने देखा ही होगा, ड्राफ्ट ट्यूब आपका ऐसा बना रहता है, तो इसमें भाई ग्रेजुअली इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन तो दिख ही रहा है, विच मस्ट भाई ग्रेजुअली इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन ही बनाया जाएगा क्योंकि उसमें हम लोगों को प्रेशर बढ़ाना है। कम प्रेशर पे वो था, उसको बढ़ा के प्रेशर हम बढ़ाएंगे तभी उसको हम, जब वो एटमोस्फेरिक प्रेशर पे आ जाएगा तब हम उसको रिलीज करेंगे, या फिर वो प्रेशर जहाँ पे हमको उसको रिलीज करना हो, वहाँ पे जहाँ पे रिलीज करना हो उस वहाँ क्या जो प्रेशर है उसी प्रेशर पे हम उसको रिलीज करेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा आपका लॉसेस होगा और नुकसान आपका होगा। तो ऐसा हम नहीं करेंगे, उसको उस प्रेशर पे लेके जाके करेंगे। तो वही चीज़ें वो हूबहू लिख भी दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया मस्ट भी एयर टाइट होना चाहिए, वो ऑब्वियसली होना चाहिए, नहीं तो लॉसेस वगैरह होंगे। उसके बाद अंडर ऑल कंडीशन ऑफ ऑपरेशन इट्स लोअर एंड मस्ट बी सबमर्ज्ड बिलो द लेवल ऑफ डिस्चार्ज वाटर इन द टेल रेस। तो इसको हाँ नीचे आपको टेल रेस में इसको सबमर्ज्ड करके रखना है, नहीं तो जानते ही हो कि भाई ऊपर से गिराओगे पानी तो वो छलकेगा इधर उधर जाएगा, और फिर प्रेशर अगर चेंजेज रहा, प्रेशर डिफरेंस रहा तो बम बम करके आवाज़ करेगा वो, तो ऐसा नहीं करता। जैसे कि आप बल्ब फोड़ते होगे, आप पहले वाला बल्ब जो आता होगा उसको अगर फोड़ो तो उससे आवाज़ क्यों आता है, क्योंकि उसमें तेज़ी से हवा अंदर घुसता है क्योंकि वहाँ पर आपका प्रेशर कम रहता है। इसी प्रकार से बड़ाम बड़ाम आवाज़ करता है, जैसे पोलिथीन में भी आप एयर भर के फोड़ते होगे तो आवाज़ करता है, तो वो भी आवाज़ इसलिए करता है कि बहुत तेज़ी से एयर को बाहर जाना होता है। तो ऐसा ही यहाँ पर होगा अगर ऐसा इस तरह चीज़ें नहीं की जाए तो ये भी स्टेटमेंट सही है आपका। इस प्रकार से स्टेटमेंट आपका तीनों सही है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास समय बहुत कम बच जाता है, ये सब चीज़ें लिखी गई थी जिसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, उसमें है आपका द मैकेनिकल इफिशियंसी ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज द रेशियो ऑफ। देखो सेंट्रीफ्यूगल पंप हो क्या रहा है, देखो जहाँ पे एनर्जी लॉस होता है वो भी मैकेनिकल कारण, फ्रिक्शन के कारण, वहीं पे आपका जो मिनिमम बाय मैक्सिमम कर दोगे तो आपका एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा। तो वहाँ पे शाफ्ट से आप क्या करते हो, प्रोपेलर को एनर्जी दे रहे हो, तो शाफ्ट को तो खुद नचा रहे हो क्योंकि पंप है वो, तो इलेक्ट्रिसिटी किसको दे रहे हो, तो भाई मोटर से नचा रहे हो, तो शाफ्ट नचाते हो उससे आपको पानी को हीट चढ़ाना है तो पानी चढ़ेगा, तो इंपेलर को आप पावर दे रहे हो, तो इंपेलर का पावर कितना है और शाफ्ट का पावर कितना है, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो मैकेनिकल एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा। तो डी आपका आंसर सही है, एनर्जी अवेलेबल एट इंपेलर टू द एनर्जी सप्लाई टू द पंप बाय प्राइम मूवर। प्राइम मूवर कितना एनर्जी सप्लाई करता है और कितना इंपेलर को मिल पा रहा है, तो यही आपका एफिशिएंसी होगा, मैकेनिकल एफिशिएंसी। नेक्स्ट चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ रोटरी पंप कंपेयर टू रिसिप्रोकेटिंग पंप। तो ये सब आपका पावर प्लांट का क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला हम लोग, पहला है हमारा कि स्टडी डिस्चार्ज विच इंक्रीज विथ डिक्रीज इन हेड। तो स्टडी डिस्चार्ज जो है ऑब्वियसली आप उसको फिक्स एनर्जी दे रहे हो तो उसका अगर डिस्चार्ज बढ़ाओगे अगर आप, तो आपका हेड कमेगा, हेड बढ़ाओगे तो डिस्चार्ज कमेगा, तो भाई दोनों तो आपको मिलेगा नहीं भाई। ऑब्वियसली तुम पंप जो रखा, बड़का पंप लगा दो ऊपर तक कर दो, जैसे कि तुमने पानी दिया होगा मोटर से अगर चलाया हो कभी, तो उसमें वाटर वाला पानी लो, उसमें क्या करो उसको जब ऊंचाई पे ले जाते हो छत पे, जब गर्मी में आप ठंड जो आप गर्मी में छत पे अगर जो सोता होगा वो पानी पटाता होगा, पानी डालता होगा, तो ऊपर जैसे ले जाते हो तो पानी का जो डिस्चार्ज नहीं कमता है क्या, धीरे धीरे नहीं पानी आने लगता है, जबकि आप नीचे ले जाओ तो और तेजी से पानी गिरने लगता है। तो यही चीज़ तो लिखा हुआ, तो ये तो सीधा आपका ऑब्जर्वेशन है, इसमें तो पढ़ने वाला कुछ है ही नहीं। अगर बचपन में किया होगा जिसने पाइप से पानी वगैरह पटाया होगा, फूलों को पानी दिया होगा, थोड़ा हाइट पे उठा लो पाइप को, पानी पाइप से डिस्चार्ज कम जाएगा, तो हेड जैसे ही बढ़ा वैसे डिस्चार्ज कम गया, डिस्चार्ज जैसे बढ़ेगा वैसे हेड कम जाएगा, नीचे ले जाओगे, तो यही तो सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है सुटेबल फॉर द हैंडलिंग फ्लूइड विद सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल। बिल्कुल गलत बात है, सस्पेंडेड पार्टिकल जब रहेगा तो हमारा हैंडलिंग कैसे फ्लूइड का आसान हो जाएगा, तो इरोजन क्रोजन वगैरह करेगा, टकराएगा और हमारा सब कुछ तोड़ता देगा, तो भाई जितना अच्छी बात नहीं है ये कि उसमें सॉलिड पार्टिकल्स रहे, तो भाई बच्चा बच्चा दे सकता। और ये देखो सबसे अच्छी बात तो ये, जैसे ही दो स्टेटमेंट पढ़ा तो मैं बच्चा बच्चा भी बता सकता है इसमें कि गलत स्टेटमेंट, और जैसे ही गलत स्टेटमेंट हुआ बस आपको देख लो कि कहाँ पे दो गलत है, दो मार गलत जहाँ पे है वो आंसर हो गया, सी आपका आंसर हो गया, खत्म किस्सा, बाकी आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि लेस बल्कि देन
आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप से ये देखो सुटेबल सुटेबल फॉर, और देखो कि इसमें क्या हो जाता है, हो रहा है जो देखो कि आपका क्या है पंप कंपेयर टू द आपका जो सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात कर रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में तो उसमें तो और ब्लेड लगे होते हैं, और ब्लेड में अगर सॉलिड पार्टिकल चला गया तो क्या हाल करेगा, सोचो तोड़ देगा उसका ब्लेड। उसके बाद देखो लेस बल्क की अंदर डिस्प्लेसमेंट पंप पॉजिटिव, तो ये आपका स्टेटमेंट सही है, फिर भी नहीं भी आ रहा है तो फिर थोड़ा बहुत तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा, हर तो नहीं बताया जा सकता। तो लेस बल्क की होता है आपका जो जो रोटरी आपका पंप होता है, आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप जिसे आप कहते हैं, तो वो आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप से उसमें हैवी पिस्टन वगैरह लगा होता है ना, तो वो उसके कारण एक भारी सा पिस्टन ही लगा हुआ है और वो आना जाना कर रहा है। उसके बाद फ्लाई व्हील भी लगाना पड़ेगा, एक सोचो फ्लाई व्हील नहीं लगाओगे वो चल कैसे रहा है, फ्लाई व्हील से ही तो चलता है, आगे पीछे हो रहा है घूम रहा है, तो भाई एक आप चलाने के लिए उसको फ्लाई व्हील की भी जरूरत पड़ती है। तो वो इस प्रकार से उसमें आपको वो थोड़ा सा बल्कि होगा आपको रेसिप्रोकेटिंग पंप। उसके बाद चलते हैं हम फोर में, आवाज़ भी ज़्यादा करेगा रेसिप्रोकेटिंग पंप। चार में बात करते हैं, कैन बी स्टार्टेड विथ ओपन डिलीवरी विथ लिस्ट लोड, कैन बी स्टार्टेड हम कर सकते हैं उसको, यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली ये एडवांटेज है आपका सेंट्रीफ्यूगल रोटरी पंप का रेसिप्रोकेटिंग पंप पे कि हम क्या कर सकते हैं उसको, कैन बी स्टार्टेड विथ ओपन डिलीवरी विथ हेड लॉस के साथ। तो ये आपका सी आंसर हो गया है। ये नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, बाकी चीज़ें मैंने लिख भी दिया है, बहुत सारी चीज़ें लिखा हुआ है। एक रोटरी पंप गिव अ स्टडी डिस्चार्ज एंड डिस्चार्ज इंक्रीज विद द डिक्रीजिंग द हेड, रेसिप्रोकेटिंग पंप इज सुटेबल फॉर द फ्लूड हैविंग सॉलिड पार्टिकल। रेसिप्रोकेटिंग पंप में आप ऑब्वियसली कर सकते हो क्योंकि इसमें बस कंप्रेस करना है, उसमें पार्टिकल तो भाई उसका वहाँ भी नुकसान पहुँचाएगा लेकिन ठीक है चल जाएगा काम, लेकिन वहाँ पर ब्लेड चल रहा है तो ब्लेड में टकराएगा हाई स्पीड से तो काफ़ी नुकसान पहुँचाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अकॉर्डिंग टू एरोफेल एरोफाइल थ्योरी द गाइड एंगल ऑफ कैप्लॉन टर्बाइन ब्लेड इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन। तो ये आपको अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए कि ये लिफ्ट एंड रिजल्टेंट फोर्स के बीच का एंगल होता है आपका एरोफॉइल थ्योरी के अनुसार। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट टाइम आ रहा है, एन आइडियल क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन प्लांट इज वर्किंग बिटवीन द टेम्परेचर लिमिट, उसने दे रखा है इतना इतना, और अगर आप प्रेशर रिसीव फॉर द मैक्सिमम आउटपुट कंडीशन, मैक्सिमम आउटपुट कंडीशन के लिए पूरा मैंने बहुत बार पावर प्लांट का जो क्रैश कोर्स बनाया है उसमें मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है कि मैक्सिमम इफिशियंसी के कंडीशन में क्या होना चाहिए और मैक्सिमम वर्क का कंडीशन क्या होना चाहिए। वहाँ पर मैंने आरपी का फॉर्मूला ये बड़ा लिखा था, अब यहाँ पर फिर से नहीं बताऊँगा, एक्सप्लेन नहीं करने जाऊँगा कहाँ से ये फॉर्मूला आया, पर यहाँ पर ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपको फॉर्मूला में कोई बात, उसके बाद भी क्वेश्चन में बहुत सारा जान बचा हुआ है क्योंकि यहाँ पर आप टेम्परेचर रखिए, टेम्परेचर रखने के बाद भी आपको ऐसा कुछ आ जाता है, ऐसा कैसे कैसे हम इसको सोल्व करें, तो इसको ऐसा टर्म, इसको भी मैंने सोल्व करके पूरा दिखाया है कि इसको ऐसे टर्म में कन्वर्ट करें, इसको ऐसे टर्म में कन्वर्ट करें, इसको ऐसे टर्म में कन्वर्ट करें आप 3/4 आप लिख सकते हैं, 3/4 तो 4 तो आ ही गया, 3/4 को आप लोग 64 पर 1/4 कर सकते हैं और इसको रूट 2 के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको आगे बढ़ाकर आप रूट 2 का वैल्यू तो जानते ही है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो ऐसा भी मुश्किल क्वेश्चन पूछता है वो। उसके बाद आप 60 की बात करें, क्रिटिकल स्पीड ऑफ टर्बाइन, क्रिटिकल स्पीड वही है भाई, हर जगह क्रिटिकल स्पीड आपको टर्बाइन में नहीं पढ़ाया गया होगा, तो क्रिटिकल स्पीड वही होता है जो आपने टॉम में पढ़ा होगा, शाफ्ट के लिए शाफ्ट वेल्डिंग वगैरह का जो फिनोमेना पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ाऊंगा आपको वाइब्रेशन में, कि वहाँ पे जब आपका शाफ्ट का डायमीटर, शाफ्ट का जो आपका ओमेगा जो होता है अगर वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी से वो मैच कर जाए तो वहाँ क्रिटिकल सिचुएशन में चला जाता है और वहाँ पे उसका एम्पलीट्यूड एकदम मैक्सिमम हो जाता है, इन्फिनाइट के बराबर हो जाता है, शाफ्ट टूट जाएगा, तो ये आपका क्रिटिकल स्पीड होता है जो कि सी आंसर है। द स्पीड विच इक्वल टू द नेचुरल फ्रिक्वेंसी, नेचुरल फ्रिक्वेंसी का अगर बराबर हो गया तो आपका शाफ्ट का टूटना तय है क्योंकि वहाँ पे एम्पलीट्यूड उसका मैक्सिमम हो जाएगा, इन्फिनाइट के बराबर हो जाएगा। तो चलिए इस लेसन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। तो आपसे आग्रह है कि भाई अधिक से अधिक मुझे शेयर करिए, रिकमेंड कीजिए, रेटिंग दीजिए, रिव्यू दीजिए, जो साइलेंटली पढ़ रहे हैं, जो बिल्कुल शेयर रिव्यू नहीं दे रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे, अपने दोस्तों को नहीं बता रहे हैं, भैया भाई मुझे बहुत तकलीफ हो रही है इससे, आपको पता होना चाहिए क्योंकि अन अकेडमी मुझे बार बार ब्लॉक कर दे रहा है, आपको देख रहे हैं कि कोर्स आने में कितना लेट हो गया, आप लोगों का क्यों लेट हुआ, क्योंकि आप लोग मुझे अच्छा रिव्यू नहीं दे रहे हैं और मेरे कंपटीटर लोग मुझे बार बार नेगेटिव रिव्यू दे रहे हैं जिसके कारण मुझे एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है अकेडमी को, और इसके कारण अकेडमी हमारा क्वालिटी चेक करती है मेरे कोर्सेज को और उसमें लटका के रखती है काफ़ी दिनों तक। तो इसको 8 जनवरी को पब्लिश होना जाना चाहिए था क्योंकि मैं 7 जनवरी को ही मैंने रात भर जगकर खूब सारा बनाया था, अब जब पब्लिश नहीं होगा तब तक मैं उसमें लेसन आगे ऐड नहीं कर पाऊँगा।
तो ये दिक्कत आई थी। तो आपसे आग्रह है कि आप अधिक से अधिक शेयर करें, मुझे 5 रेटिंग जरूर दें, रिकमेंड करें, रिव्यू दें, कोई पूछना है तो आप पूछ भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इतने समय में इतना।